हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। झटपट बनने वाली और कम ऑयल में, जीरो ऑयल में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये हमने सूजी ले ली है, 2 कटोरी सूजी है। जो भी आपके पास सूजी है, फाइन या मोटी पतली जो भी है, वो आप ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने 2 कटोरी एक बाउल में सूजी को कर लिया है और 1 कटोरी हम इसमें वही कटोरी ली है जिससे हमने सूजी ली थी, और 1 कटोरी हम इसमें दही डालेंगे। और ये इतना टेस्टी ये नाश्ता बनता है और जीरो ऑयल में है। आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। और आप ऑयल का नाश्ता खा कर अगर बोर हो गए तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और ये घर का जमा हुआ फ्रेश दही है। और ये देखिए, हमने 1 कटोरी इसमें दही डाल दिया है और 1 कटोरी हम इसमें अभी पानी डालेंगे। और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद को हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस काम में एक बैटर तैयार करना है। बैटर हमें ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा। और इसमें हमने 1/2 कटोरी से कम थोड़ा पानी और अभी ऐड किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। और इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। आप इसे सुबह में झटपट बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इसमें हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाला है और इसमें थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा डालेंगे, मीठा सोडा, यानी 1-2 पिंच डालेंगे चुटकी। और थोड़ा सा पानी इसमें 2-3 चम्मच और डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फेंट लेते हैं दोबारा से ही बैटर में। इसमें सोडा जब भी डालें जिस टाइम आपको नाश्ता बनाना है। और ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आई होप आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक किया करें। और हम बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आते हैं आपके लिए। और घर पे ही जो सामान होता है उससे ही आपको रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ज़्यादातर हम घर के ही सामान से रेसिपी बनाते हैं और बाहर से हम कुछ नहीं बताते हैं आपके लिए कि ये लाएं वो लाएं, ऐसा नहीं है। आप इसे झटपट बना सकते हैं। ये देखिए, हमने एक थाली ले ली है। थाली पे हमने ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा, और इस पर हमने ये बैटर बनाया था वो इस पर हमने डाल दिया है। अच्छे से इसे ऐसे थप थप कर ले थाली के लिए। और ये देखिए, हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है हल्का सा इस पर। इससे देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, नहीं तो ज़्यादा मिर्च का हो जाएगा, आप पे नहीं खाया जाएगा। और इधर ये हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये पानी के ऊपर कढ़ाई में इस पर ये हम थाली को रख देते हैं अच्छे से। और इसे हम लगभग 6-7 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। और ये देखिए, अच्छे से 6-7 मिनट हो गए। इसे एक बार हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। और इसमें हमने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, आपने देखा होगा, सिर्फ थाली में ही लगाया है। इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा चाकू बिल्कुल एकदम क्लीन निकला है, बिल्कुल नहीं चिपका है। और ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये ठंडा हो गया है अच्छे से। इसे हम साइड से, अभी इसके साइडों से चाकू से इसे हम निकाल लेते हैं। इससे ये अच्छे से निकल जाएगा और बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसके हम पीस कर लेते हैं, छोटे बड़े जिस तरह से आपको करने हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इतनी टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है। 5 मिनट में इसे आप बनाकर सर्व कर सकते हैं और कम ऑयल में है ये। और ये देखिए, हमने इसे, आपको पता चल रहा होगा कट करने से, ये हमारा नाश्ता कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। और ये देखिए, आप इसे सादा इडली भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, इसे हम आपको अभी निकाल के दिखाते हैं और बिल्कुल थाली में नहीं चिपका है। एक बार में इसे हम निकाल लिया था। और ये देखिए, कितना जालीदार एकदम सॉफ्ट बना है ये। आइए, आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए, झटपट से हमारा नाश्ता बन गया है और जीरो ऑयल में, और हेल्दी भी है क्योंकि दही और सूजी का ही है ये नाश्ता। इसमें हमने और भी कुछ नहीं डाला है।
और ये हमने केचप और हरी चटनी से सर्व करा है, जिससे आपको पसंद है आप उससे सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक किया करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।